ये 7 तारीख की बात है, जो आज़ादपुर मंडी है उसमें एक वारदात हुई थी जिसमें गोली चलाई गई, एक पर्सन इंजर्ड था और उसमें हाथ में जो कैश का बैग था वो लूट के ले गए। ये लगभग दिन की बात है, आफ्टरनून की बात है ये। उसके बाद कोई हमारे पास उस वक्त कोई ऐसा क्लू नहीं था, हमने सारी डिस्ट्रिक्ट को इसमें इन्वॉल्व किया, जो भी हमारे बेस्ट ऑफिसर महिंद्रा पार्क का थाना तो था ही, ACP शालीमार बाग, उसके अलावा हमारा स्पेशल स्टाफ और ACP अशोक विहार और SHO अशोक विहार, इन सभी ने इसमें काम करना शुरू किया अपने लेवल पे। CCTV फुटेज हमने कलेक्ट की, कुछ हमें थोड़ा सा आइडिया आया लेकिन फिर भी कोई कंफर्म प्रूफ नहीं था इसमें। इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि सारी टीमें अब अपने लेवल पे लगी हुई थी और डे टू डे बेस मॉनिटरिंग इसकी हो रही थी, क्योंकि चैलेंजिंग केस था, दिन दहाड़े ये लूट हुई थी तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट केस था ये। लेकिन फाइनली SHO अशोक विहार और पहला जो क्लू जो हमें मिला वो इंफॉर्मेशन बेस्ड पे था पहला क्लू, फिर SHO अशोक विहार और चौकी इंचार्ज इन्होंने पहले क्लू को वेरीफाई किया और पता चला कि ये लोग हैं जिन्होंने वारदात की। तो जैसे ही दो लोग हमारे हाथ में आ गए, उनके फर्दर एसोसिएट इंट्रोगेशन के बाद हमने उनको प्रेस किया और जो ACP शालीमार बाग और महिंद्रा पार्क इनकी टीम थी उनने फर्दर एक उसको पकड़ा। तो ये बड़ा एक अच्छा टीम वर्क रहा, मतलब लाइक ये केस ऐसा नहीं कि महिंद्रा पार्क थाने में हुआ लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट का केस इस तरह से माना जा रहा था और ये सारी अलग अलग थानों के इंस्पेक्टर ACP इन्होंने मिलके जो इसमें अपने लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन डेवलप की उससे एक केस वर्कआउट हो गया। इसमें हमें जो सबसे जो अहम बात हमारे ये लगी कि हमें लगा नहीं था कि इतने लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। अभी तक पता चला कि 10 लोग के नाम सामने आए जिसमें हमने 7 लोगों को पकड़ा है और बाकी और को भी पकड़ेंगे, हमारी टीम लगी हुई है। और ये काफ़ी डेस्परेट और ड्रेडेड क्रिमिनल्स हैं, ज़्यादातर सोनीपत साइड हरियाणा साइड के, उन्होंने वहाँ पर भी वारदातें की हैं, 7-8 वारदातें की हैं, लेकिन जो एज अ नॉर्थ वेस्ट और रोहिणी इनमें हम टोटल 5 केसेस वर्कआउट हुए इसमें और एक अच्छा प्रोफेशनल पुलिसिंग का एक अच्छा एग्जांपल रहा है। सर, वारदात में की गई पिस्टल की क्या बरामद की गई? वारदात में जो इस्तेमाल की गई जो कट्टा था वो भी बरामद हुआ और इसके अलावा एक पिस्टल बरामद हुई, 2 मोटरसाइकिल जो यूज़ की गई थी वो बरामद हुई, 1 लाख रुपए कैश बरामद हुआ और बाकी जैसा भी उन्होंने कैश शेयर किया उसको भी हम पीछे लगे हुए हैं, टीम हमारी लगी हुई उनको भी हम जल्दी जल्द पकड़े। सर, इतने पैसे रिकवर किए गए सर? 1 लाख रुपये। सर, एक्यूज को कैसे पता चला कि ये इतनी बड़ी रकम लेकर के ये जा रहा है? कोई नॉन पर्सन भी गिरफ्तार हुआ है इसमें एक व्यक्ति है अजय, ये इसको आइडिया था, मंडी में आया भी था, उसने देखा मंडी को एक तरह से रेकी कहते या ऑब्जर्वेशन किया उसने, उसने देखा कि इस टारगेट को हम ये कर सकते हैं, हमारा टारगेट बना सकते हैं और यहाँ से फिर अदर जो लोग हैं एक दूसरे से कनेक्ट हुए और एक गैंग की तरह ऑपरेट करके इस चीज़ को अंजाम दिया। सर, इससे पहले भी मंडी में इस तरह की वारदातें पहले भी हुई हैं, तो क्या इन्होंने उसमें भी कोई हिस्सा का हिस्सा था यार? नहीं, अभी जो भी इंट्रोगेशन हमने की है उसमें अदर जो कुछ अगर इंसिडेंट हुए तो उसमें अभी कोई इनका इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आया, बाकी जैसे भी आगे इन्वेस्टिगेशन होगा उसके मुताबिक। और कितने केस सॉल्व हुए हैं सर? हमसे ये मंडी के अलावा जो अलीपुर का एक केस है और 3 नरेला के हैं जो इसी तरह से लूटपाट की, वो केसेस इसमें
वर्कआउट रहे। सर हरियाणा में कोई इनका मर्डर वर्डर का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है क्या हरियाणा में? इसके बारे में डिटेल मेरे पास नहीं है, बट हाँ ये पता जरूर है कि इसमें से कुछ लोग हैं जो जिन्होंने हरियाणा में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। कोई एक आरोपी हरियाणा में भी सरेंडर किया है पुलिस को क्या सर? इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं हमारे पास। ठीक है सर, थैंक यू। चलवाएं सर।